है सर, ये जो हमारे पास हम जो प्रूफ कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं, आप सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है या थर्ड एक्सरसाइज के प्रूफ वाले, इनमें से 3 मार्क्स के लिए आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10th में बोर्ड के क्वेश्चन पेपर एक तरह से आउट है कि भाई ये क्वेश्चन आने, तो आप समझ लीजिए एग्जाम स्कूल में भी और बोर्ड में भी। तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए अगर हमें √2 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज करेंगे, कुछ चीजें यूज करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला क्या है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई ए प्राइम नंबर, देन जिस नंबर का आपने स्क्वायर लिया, देन नंबर, अभी मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। ये पहला हमारे पास रूल है जो हम यूज करेंगे। मतलब मैं आपसे कहूं कि सर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या है कि भाई 9 स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम कौन सा ले लें, 3, ठीक है, देन नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर, यस और नो? हाँ जी सर। आप सब बच्चे बताओ कि अगर स्क्वायर 81 होता है तो 81 डिविजिबल है 3 से, हम सबको पता है, तो जो नंबर है वो अपने आप में 3 से डिवाइड। इसको अगर हम शॉर्ट में बात करते हैं, हम ये कहते हैं इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर पी, देन नंबर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे बेटे, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, ध्यान यहां रखना है, ये मस्ट है कि प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर जो होगा वो खुद भी पी से डिविजिबल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम यहाँ यूज करेंगे बेटे को प्राइम नंबर। इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो को प्राइम नंबर्स कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है, जैसे प्राइम नंबर्स स्पेसिफिक हैं कि यही प्राइम होंगे, कंपोजिट जो है वो स्पेसिफिक है यही कंपोजिट होंगे, को प्राइम नंबर ऐसा कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2 नंबर्स की, इफ एच सी एफ ऑफ एनी 2 नंबर्स is 1, then numbers are called co-prime। ये हमारे पास कंडीशन है, कोई से भी 2 नंबर, अब ये कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, फिक्स नहीं कि यही वाले नंबर्स को आप co-prime कहोगे। हम बात कर रहे हैं 2 नंबर्स को कंपेयर करो, तो उसमें ये देखना है, मान लीजिए 5 ले रहे हैं और 7 ले रहे हैं, कि ये किससे डिविजिबल है। अगर ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है, इनका HCF सिर्फ 1 है, तब तो ये co-prime है। अगर ये 1 के अलावा किसी और से डिविजन, तब ये को प्राइम नहीं है। इफ देयर एचसीएफ इज ओनली 1, देन दीस नंबर्स 5 एंड 7 आर को प्राइम। एक्चुअली को प्राइम को हम यूज कहाँ करते हैं, हम फ्रैक्शन में यूज करते हैं कि भाई हमारे पास फ्रैक्शन है 5/7, तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, मतलब अब आगे कैंसिल तो नहीं हो सकता, तो 5/7 को आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये आपकी फिक्स फॉर्म है। लेकिन मैं अगर आपसे कहता कि नहीं सर मेरे पास है 10/6, तो सर 10/6 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 10/6 को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं सर, 2 5 जा 2 3 जा, 5/3 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 10 एंड 6 आर नॉट को प्राइम बट 5 एंड 3 आर को प्राइम। बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही? हाँ सर। ठीक है बेटे, हम उन नंबर्स को प्राइम कहेंगे जो किसी से डिविजिबल नहीं है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, दे हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1, दैट्स इट। तो दूसरी चीज हम ये यूज करेंगे। थर्ड एंड लास्ट, हमारे पास एक मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो कंट्राडिक्शन ये है कि हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं, हमने सोचा ये आना है लेकिन रिजल्ट उसके अपोजिट आया, तो आप कहोगे तो कंट्राडिक्टरी हो रहा है, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। तो हम करते क्या है, कैसे कंट्राडिक्शन होता है, कि हमने किसी चीज को एज्यूम कर लिया, हमने किसी चीज को एज्यूम किया और उस पे बेस हमने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, उस पे बेस्ड जो हमने एज्यूम किया है कि भाई ये रिजल्ट होगा, लेकिन आगे चल के रिजल्ट अपोजिट आता है, तो अगर रिजल्ट अपोजिट आता है तो हम कहते हैं भाई ये तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, कि भाई हमने जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था,
तो इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन कि बिकॉज वी गोट द अपोजिट रिजल्ट, या अगेन इसे कहना चाहिए अपोजिट रिजल्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन. तो ये हमारे पास है, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए. सपोज करो अक्सर क्या होता है कि हम जानते हैं कि भाई हमारे पास एक सलमान साहब हैं, और भाई सलमान साहब कहाँ पढ़ते हैं, भाई MET में पढ़ते हैं, ठीक है सर. अब हम गए जी लाजपत नगर मार्केट. हाँ सर, है ना भाई. अब लाजपत नगर मार्केट में शफी साहब गए, और शफी साहब ने एक बच्चे को देखा वहां घूमते हुए, और उन्हें लगा रहे तो हमारे सलमान साहब हैं, और वो गए और उन्हें सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम और सलमान भाई कैसे हो. तो क्या मतलब क्या हुआ, उन्हें सिर्फ लगा, ही इज नॉट श्योर अबाउट हिम, ठीक है, कि भाई ये जो हैं ये सलमान है. तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एज्यूम कर लिया कि ही सलमान. अब अगर ये सलमान है तो साहब ये कौन से वाले सलमान है, कि भाई वो वाले सलमान है जो MET में पढ़ते हैं. तो आई एज्यूम या शफी एज्यूम दैट ही इज सलमान, एंड इफ ही सलमान ही स्टडी इन MET. अब आप गए उनसे सलाम करा, वो आपके मुंह को ऊपर नीचे देख रहे हैं कि आप कौन, जैसा देखते हैं आदमी अनजाने बन के. तो बस जब नहीं समझ में आया कि भाई सलमान, तो आप क्या कहोगे, भाई तुम MET में पढ़ते हो ना, मैं तो उसी को जानता हूं. तो कहने, नहीं सर मैं तो DPS में पढ़ता हूं. तो व्हाट इज दिस, आई अज्यूम ही इज सलमान, एंड इफ ही इज सलमान ही स्टडी इन MET, बट वी गॉट अपोजिट रिजल्ट, रॉन्ग रिजल्ट, कि नहीं DPS में पढ़ता हूं. अब सीधी सी बात है, अगर DPS में पढ़ते हैं तो चाहे अब इनका नाम सलमान ही क्यों ना हो, बट ये हमारे वाले सलमान नहीं है. यस और नो? हाँ सर. भाई जिनको मैं जानता हूं वो वाले तो MET में पढ़ते हैं, तो MET वाले सलमान को जानता हूं. अब अगर नाम भी हो जाए इनका सलमान और ये DPS में है, तो फिर मैं इनको नहीं जानता. तो इसका मतलब मेरा assumption wrong था. तो अगर assumption wrong था, he is not सलमान. That's it. तो it is called contradiction. It is called contradiction कि भाई हमने कुछ सोचा, और जैसे ही सोचा तो रिजल्ट हमने पहले से ही सोच लिया कि अब रिजल्ट ये होना चाहिए. हम आगे चले, रिजल्ट हमारा कुछ और आया, तो हम कहेंगे अरे ये तो रिजल्ट ही गलत आ रहा है. और अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग assumption. अगर रॉन्ग assumption है तो फिर कहानी खत्म. अब जरा देखो ध्यान से, एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की. अब यहां से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, बस इतना इसीलिए समझाना था. रियल नंबर्स हमारे पास बेटे दो ही होते हैं, या तो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, और या फिर होते हैं इरेशनल नंबर्स. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी तरीके से ये शो कर दिया कि सर ये इरेशनल नंबर है कोई हमारे पास, और हमने शो कर दिया कि ये इरेशनल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इरेशनल नहीं है तो फिर कौन है, रैशनल. बिकॉज हमारे पास दो ही नंबर है, ठीक है. और अगर हमने ये शो कर दिया कि ये रैशनल नहीं है, तो फिर उसका मतलब कौन सा नंबर है, irrational. That's it. अब ये सारी चीजों को कंक्लूड करो और अब आगे बढ़ो. देखो जरा ध्यान से, एक एक स्टेप अब आपको अगर समझ में आया होगा तो आप अपने आप लिख लोगे, बस अब कोई जरूरत नहीं, मतलब डटना नहीं था. हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. एक एक लाइन अपने हिसाब से लिखना बेटे, ना बुक के हिसाब से ना मेरे हिसाब से, कि आपको क्लियर समझ में आ रहा हूं. अब हमसे कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि रूट टू इरेशनल है. हम कंट्राडिक्टरी हमें करना है, तो हम अपनी तरफ से ही स्टार्ट करते हैं. क्या स्टार्ट करते हैं, लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर, ठीक है भाई. अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर आप किसको कहते हो, या रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि वो P/Q की फॉर्म में होते हैं. यस और नो? हाँ सर. चलो ठीक है, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट, या आप वैसे भी लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट टू को प्राइम नंबर्स, ठीक है सर, A and B सच दैट रूट टू इज इक्वल टू A/B. क्योंकि अगर ये P/Q की फॉर्म में है तो इसे हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, और ये AB जो है को प्राइम होने चाहिए, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होंगे किसी से, तभी तो ये रैशनल होगा.
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई अगर हमारे पास रूट टू रैशनल है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और वेयर ए बी जो हमारे होंगे वो को प्राइम इंटीजर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। सही है बात? अगर ये हमारी बात सही है तो स्क्वायर कर दो। देखो ध्यान से, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि भाई अपने हिसाब से लिखना है, आपको नहीं लिखना है इस स्टेप को, आप ऐसे मत लिखो। आप क्या लिख दो कि भाई ये इंटीजर है तो आप लिख दो लेट रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है सर, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिख रहे हैं, बट ये है कि वो स्टेप क्लियर हो। अच्छा, अब आपने ऐसे लिख दिया तो स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि टू को हटाने, रूट को हटाने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये देखो ऐसे आएगा टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, लेकिन मैं लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। अब आप यहां समझिए कि हुआ क्या हुआ, ये है कि लेफ्ट साइड में है पी स्क्वायर। शफी समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। जागते रहिए, मेरे साथ चलते रहेंगे हर लाइन पे तो अच्छा लगेगा, कहीं भी समझ में ना है पूछ लो। तो लेफ्ट साइड में है पी स्क्वायर और राइट साइड में दो नंबर हो गए, एक हो गया टू स्क्वायर और एक हो गया क्यू स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पी स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर टू है और एक फैक्टर क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है पी स्क्वायर को, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, पी स्क्वायर को आप टू से डिवाइड कर सकते हो, पूरा डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो गया क्यू स्क्वायर बचेगा। या प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अभी समझते रह गीजिए, या मैं आपसे कहूं कि नहीं साहब पी स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर से डिविजिबल है और टू बचेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू एंड क्यू स्क्वायर बोथ। तो मुझे क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना लिखूंगा सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। ये मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्योंकि टू और क्यू स्क्वायर फैक्टर्स हो गए। अब आप सोचो जो हमने पहले यूज किया, हमने कहा है कि भाई पी स्क्वायर हमारा कोई नंबर है, सॉरी पी स्क्वायर हमारा कोई नंबर है और वो किससे डिविजिबल है, प्राइम नंबर से। टू तो प्राइम नंबर है ना क्यों भाई, सो पी स्क्वायर डिविजिबल बाय टू। अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। यस सर। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा देखो ध्यान से, कोई भी आप नंबर ले लो दुनिया का उठा के जो 2 से डिविजिबल हो। मान लो मैं कहूं 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, 20 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, बट मैं आपसे कह रहा हूँ हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब सर 2 इज डिविजिबल बाय 1 टाइम, 4 इज डिविजिबल बाय 2 टाइम्स, 6 डिविजिबल बाय 3 टाइम्स, 20 इज डिविजिबल बाय 10 टाइम्स। ठीक है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो हाउ मेनी टाइम। तो हम यहाँ सपोज कर सकते हैं, बस यहाँ ये बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये क्यों लिया, तो वो इसलिए लिया लेट p इज इक्वल टू 2x ले लीजिए, y ले लीजिए, r ले लीजिए, जो भी लेना है, तो p इज इक्वल टू 2x, कि p डिविजिबल है 2 से x टाइम। अगर x टाइम है और अब सपोज करो इसको वन इक्वेशन ले रहे हैं, तो पुट इन इक्वेशन वन, तो जरा p की जगह 2x रख के देखिए, तो p को अगर आप 2x रखोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? आ गई सर, आ गई। इसको स्क्वायर करो बेटे 4x, इसको दोबारा भी समझेंगे, अभी तो बस एक बार रफली समझो फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से कैंसिल करो बेटे दोनों साइड, तो आपके पास आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ आप क्या कह सकते हो, जैसे हमने ऊपर कहा था कि भाई q स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक 2 और एक x स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, आप फिर यही कहेंगे सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है
So Q is also divisible, by 2. सर बात समझ में आ गई? लेकिन हो क्या गया? हो तो ये गया ना बेटे कि हम ऊपर कह रहे हैं P2 से divisible है और यहाँ हम कह रहे हैं Q2 से divisible है, तो इसका मतलब दोनों 2 से divisible है. तो यहाँ बस स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है. सो पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 2. सो पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम. ठीक है सर. अब अगर को प्राइम नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर ये तो डीपीएस में पढ़ते हैं, ये तो को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब रॉन्ग अजम्पशन है. ठीक है, तो इट इज कंट्राडिक्शन. ऑफ अवर अजम्पशन. ठीक है सर, इट इज कंट्राडिक्शन. ये कहिए ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन. और हमने आपसे क्या कहा है कि हमारे पास तो दो ही चीजें हैं. अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या है? इरेशनल. तो बस यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर एंड रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. सब बच्चे बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? यस सर. ठीक है बेटे, सारे क्वेश्चंस में यही स्टेटमेंट रहेगा, कहीं भी कुछ चेंज नहीं होने जा रहा है. अगर रूट थ्री होगा तो रूट थ्री भी ऐसे ही रहेगा. पहले इसको समझो, फिर मैं रूट थ्री करता हूँ, रूट फाइव करता हूँ, फिर नोट करना. हमने क्या कहा है, यहाँ से दोबारा से देख लीजिए. हम कह रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं लेट रूट टू, आपको प्रूफ करना है रूट टू इज इरेशनल. हमने कहा नहीं सर, लेट रूट टू इज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो सर ये पी बाई, हैंस इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. आपकी मर्जी, आप जितना अच्छा स्टेटमेंट देना चाहो. तो अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हो न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर तो ठीक है, बट ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये को प्राइम होने चाहिए. अगर ये को प्राइम है तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ वन से डिविजिबल है. अब इसी को हमें रॉन्ग करना है कि नहीं ये वन के अलावा डिविजिबल है. तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, तो पी स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, टू और क्यू स्क्वायर. तो आप कह सकते हो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू. अगर पी टू से डिविजिबल है तो ये आपको याद रखना है कि अगर टू से डिविजिबल है तो हाउ मेनी टाइम्स, लेट पी इज टू एक्स. टू एक्स को आप यहाँ रखो, यहाँ. तो अगर यहाँ 2x रखोगे तो 2x का स्क्वायर 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, तो फाइनली q स्क्वायर इज 2x स्क्वायर. तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दे आर नॉट को प्राइम. अगर को प्राइम नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन, और ये किस वजह से है? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन. अगर जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, रैशनल, तो फिर ये इरेशनल. सर ठीक है ये बात? यस सर. प्लीज जरा ध्यान से देखो, आप सब बच्चे जरा ध्यान से देखो. मैं अगर आपसे ये कहता बेटे, कि प्रूव करो रूट थ्री इज इरेशनल, तो आप ऊपर से लेके नीचे तक देखो, स्टेटमेंट चेंज नहीं करना. हम कहेंगे लेट रूट थ्री, इज रैशनल. अगर रूट थ्री रैशनल है तो रूट थ्री को लिखेंगे पी बाई क्यू. सिर्फ थ्री, जहां टू था वहां थ्री लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट कोई चेंज नहीं हो रहा. वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा? थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, या फिर थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर. ठीक है सर, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री. If it is divided by 3, तो how many times? 3x. Change the values. 3x square is equal to 3q. आपके पास आ जाएगा 3x square is equals to 3q square. 3x square क्या होता है? 9x square. 3 से divide कर दीजिए. तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 9q square is 3x square. तो आप क्या कहोगे? Q square is divisible by 3.
So Q is also divisible by 3. So P and Q both are divisible by 3. So P and Q are not co-prime numbers. It is contradiction of our assumption of due to our wrong assumption. Okay, sir? Hence, root 3 is an irrational number. बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. जी, sir. ये आपको करना. अब आप पहले अगर इसे नोट करना चाहो, कर लो. फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ से करना शुरू करो. मैं इसकी PDF तो भेजूंगा, लेकिन यहाँ से करना शुरू करो. जरा एक बार लिख लो, तो जिससे आप थोड़ा सा जाग भी जाओ और देख भी लो हो क्या रहा है. हाँ जी, जो बटालियन है इन्हें समझ में आ रहा है? अब्दुल रहमान साहब? यस सर. तौहीद? यस सर. आयान साहब समझ में आ रहा है? आयान को नहीं. अच्छा, नोट करना चाहो तो करो जल्दी से, फिर देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको. अल्लाह तेरा शुक्र. Allah Tirash. हो गया सर? जी बेटे, नोट कर लिया? यस सर. देखो हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं. हाँ सर. गुड.
एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो देखो 1.3 में